हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा लीडर्स मेस में स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी घनमूल, जिसमें आपको कम से कम पहले तो स्टार्टिंग में 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आपको अच्छे से क्यूब और क्यूब रूट दोनों याद होने चाहिए। तो इससे क्या है, आपको जैसे किसी का क्यूब रूट निकालना है उसमें पीछे इकाई का अंक 1 है, तो उसका क्यूब रूट निकालने के बाद भी 1 ही आता है। जैसे इकाई का अंक उसमें 8 है, उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा अपन को, 2। तो ये 10 तक याद रहेगा आपको, तो इससे क्यूब रूट निकालने में बहुत आसान रहेगा आपको। जैसे अपन किसी का क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसमें इकाई का अंक कितना है, 9। तो जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे ना अपन, तो उसका भी इकाई का अंक क्या मिलेगा अपन को, 9 ही मिलेगा। और पीछे 0 होता है, 0 मिलेगा से पीछे 3 0 होना चाहिए। तो उसकी ट्रिक के लिए आप 1 मिनट ध्यान से देखिए इधर, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और इस ट्रिक से ध्यान रखना आप, जो पूर्ण घनमूल संख्या रहेगी उसी का घनमूल निकाल पाओगे आप, अदरवाइज किस संख्या का नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान से देखना, 138 और 24, जैसे कि इसका घनमूल निकालना है अपन को। तो ध्यान से देखना, पहली बात तो आप पीछे से तीन तीन डिजिट लेके जोड़े बनाओगे। जैसे 3 डिजिट ले ली, फिर यदि 2 बचती है लास्ट में तो 2, 3 बचती है 3 और 1 बचती है तो 1। पर लास्ट से फर्स्ट में तो कितनी बनाओगे, 3 डिजिट की, फिर 3 डिजिट और नहीं बनती है तो 2 डिजिट 1 डिजिट। अब ध्यान से देखना, जैसे अपन इसे क्यूब रूट निकालेंगे, इसमें पीछे कितना है, 4। तो 4, जैसे अपन इस वाली संख्या में 4 है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसका, तो लास्ट डिजिट कितना मिल रहा है अपन को, 4। तो इससे क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट डिजिट तो कितना रहेगा अपने पास, 4। अब ध्यान से देखिए कि जो 13 है ये किन दो घनों के बीच की संख्या है, ये है 8 और 27 के बीच की संख्या, 8 और 27। जैसे 8 और 27 के बीच का घनमूल निकलेगा इसमें से, तो ये 8 और 27 का अपन घनमूल निकालेंगे। इसमें से आपको इसका तो कितना बनता है, 2, और इसका कितना बनता है, 3। तो आपको हमेशा ही छोटी वाली संख्या लेनी है, तो इसका घनमूल कितना निकल के आएगा, 2। तो कितना हो गया इसका क्यूब रूट, 24। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एक सौ छप्पन 25। तो ध्यान से देखिए, इसका क्यूब रूट निकालना है अपन को। तो पहली बात तो 3 अंकों का पेयर बनाओगे आप, फिर लास्ट में 2 अंक बच रहे हैं अपन, तो इनका, तो इसमें कितना है पीछे इकाई का अंक, 5। तो अपने पास जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें पीछे कितना आएगा, इकाई का अंक 5, और यहाँ पे कितना है फिर इसके लिए, 15। तो 15 किन दो के बीच में है, मतलब इनका क्यूब रूट निकालेंगे तो किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में आएगा इसका क्यूब रूट, तो आपको छोटे वाली संख्या लेनी है। तो किसका क्यूब रूट है, 25 का, इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 25। अभी अपन ने देखा कि क्यूब रूट कितना जल्दी निकल जाता है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल देखिए आप, जैसे 1728। अब ध्यान से देखें, अपन इसमें 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे फिर 1 डिजिट। तो ध्यान से देखिए, इसमें 8 है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो पीछे का डिजिट 8 होता है, तो क्यूब रूट में कितना मिलता है अपन को, 2, ये 2। अब आगे कितना है, 1, और ये 1 और 2 के बीच की संख्या है, 1 ही है ऐसे तो, पर 1 और 2 के बीच में, तो अपन को छोटी संख्या लेनी है, तो इसका कितना मिलेगा अपन को, 1 का क्यूब रूट 1 ही मिलेगा। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 12। जैसे इसको देखिए, इसमें कितना है लास्ट डिजिट, 4। तो लास्ट डिजिट 4 रहे तो उसका क्यूब रूट निकालते हैं अपन, तो कितना मिलेगा अपन को, क्यूब रूट में 4 ही मिलेगा। और जैसे पेयर तो बना लिया अपन ने 3 डिजिट का, और इसके बाद ही कितना है, 2। तो 2 किसके बीच का है, 2 का क्यूब रूट निकालेंगे अपन तो 1 और 2 के बीच में निकलेगा, 1 और 2 के बीच में। तो आपको छोटे वाली संख्या लेनी है, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 14। इसमें देखिए, जैसे ध्यान से देखना, 3 संख्या का अपन पेयर बनाएंगे फिर 3 का बन गया, तो इसमें लास्ट डिजिट कितना है, 8। तो लास्ट डिजिट 8 हो, ऐसी संख्या का अपन क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका कितना मिलता है अपन को, 2। तो लास्ट डिजिट तो अपन को कितना मिलेगा, 2। अब ये कितना है, 778। ये 778 का क्यूब रूट निकालेंगे तो किसके बीच में आएगा, 778 होता है 9 का निकालते अपन तो 729, ये 729 से बड़ा है, और 10 का निकालते तो 1000। तो इसके किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में। तो आपको छोटे वाली संख्या लेनी है, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 92। इसका देखिए लास्ट डिजिट कितना है, 2। तो लास्ट डिजिट 2 है, तो डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा कि लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका ऐसे इकाई अंक तो कितना मिलेगा अपन को, 8। अब ध्यान से देखिए, अब ये पेयर में कितना है, 474। 474 का क्यूब रूट किन के बीच का आएगा, 474, 343 और 512 के बीच का, मतलब 7 और 8 के बीच में क्यूब रूट निकल के आएगा इसका। तो आपको सिर्फ कौन सी लेनी है, छोटी संख्या लेनी है, तो इसका क्यूब रूट कितना निकल के आ जाएगा, 78। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।